By the way, now I remember कि मेरे को ये का का जो रिसेंट का है, वो स खाता दिखाई दे रहा है तो अगर आपने मॉडर्न फैमिली देखा हो रिमेम्बर कैरेक्टर जो कौन है main character जो फिल उसकी वाइफ जो बनी है एक बार उसका कैरेक्टर देखना और बेकिल इंच की एक्टिंग देखना भाई फुल टू सेम लगता है आज मेरे को वो रियलाइजेशन हो गया बहुत टाइम से था यार कि ये देखा देखा सा क्यों लग रहा है एंड नाउ आई फाइनली गॉट इट

भाई बहुत बुरा हुआ मेरे हिसाब से तो जजमेंट डे के साथ अगर अगर वो सुपर नेचुरल मेरे को तो अभी भी लगता है वो जो हैचुरल पावर वाला एलिमेंट ऐड करने के लिए कहा गया था ना एज को वो नहीं कहना चाहिए था क्योंकि वो कहा एज ने मना किया देन ये सब चीजें हुई तो आई थिंक इट्स जस्ट डिस्टर्बिंग हाउएर अगर एज का ये नया कैरेक्टर अच्छा निकल के आ गया देन आई विल नॉट कंप्लेन अबाउट कि हाँ जजमेंट डे फेल हो गई मैं मैं भूलने को तैयार हूँ जजमेंट डे को अच्छा एजी स्टाइल्स और मिर्स का मैच देखने को मिला जिसमें मिर्स को हरा दिया ऑफकोर्स लेकिन उसके बाद

ल है या फिर वुमेन्स टाइटल है अच्छा उसको इंटरप्ट नटालिया कारमेला ये कर रहे हैं अब पागल हो गया तुम दोनों है, हे हार के भी शर्म नहीं आ रही मनी इन द बैंक में इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी थी तुम्हारे पास अब तुम दोबारा से चैंपियनशिप के लिए आ रहे हो खैर वो तो बाद में भियंका बलेयर आई तो चैंपियंस वर्सेस अपेरेंटली चैलेंजर्स आई डोंट नो कि चैलेंजर्स होने वाले हैं नहीं तो इनके भी स्टैग मैच देखने को मिला जिसमें भियंका बलेयर एंड लिव मोर्गन ने तो ठोक दिया मेरे को तो अभी भी ऐसा लगता है कि लिव मोर्गन इज नॉट रेडी एट फॉर द चैंपियनशिप बट अगेन आजकल की जो इंटरनेट की दुनिया है वो कैसी है हम हमें बस दूसरों की जर्नी में यह है कि अरे इसको बस चैंपियन बनते हैं दिखाए दो हमारे अंदर की तृप्ति हो जाएगी तो इसीलिए वो लोग खुश है कि हाँ चलो उनका फेवरेट कोई सुपरस्टार स्टार बना है बट रिंग में मेरे को देख के अभी भी ऐसा लगता है कि लिव मॉर्गन एटलीस्ट दो तीन साल के बाद चैंपियन बनती तो ज़्यादा अच्छा रहता फिर वो ईजिली बैकलिंच के लेवल पर आ सकती थी अभी जल्दी चैम्पियन बन के आई रियली होप कि वो मैसअप हो जाए जो कि यू नो होता है कि जब जल्दी चैंपियनशिप मिल जाती है तो बाय द वे फोर्थ ऑफ जुलाई थी आज तो फिर उसके लिए बैकस्टेज के भी सेगमेंट्स आते हैं ना भाई मेरा फेवरेट तो वो इजिकेल वाला आया था जिसमें इजीकेल ने कैचअप डाल दी थी सेथ रॉलिन्स के कपड़े पे पहले मेरे को लगा केविन ओवेंस के डल गए फिर रियलाइज हुआ कि ओह सेथ रॉलिंस के कपड़े भाई अब नहीं छोड़ने वाला ये बंदा जो कि हुआ अभी क्योंकि सेथ रॉलिस् ने फिर इजी को बहुत गंदे तरीके से हराया और मैच मैं कहूंगा कि अच्छा था आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैच अच्छा होगा बट हाँ क्योंकि तो एडवर्टीजमेंट पिक्चर पिक्चर अच्छा साइड में हो जा रही थी और जो मैच है वो एक्चुअली में साइड में दिख रहा था जैसे ऑल एल इंटरेस्लिंग में दिखता था आई डों से, से था या मैं पहले गलत सर्वर पर चलाता था बट आज वो देखकर अच्छा लगा मैंने कहा चलो यार अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि हाँ मेरे को जबरदस्ती वो स्प्रे की पिज्जा की एड देखनी पड़ रही है आप मैच साइड में आराम से देख सकते हो तो वो अच्छा लगा इसीलिए शायद से वो मोमेंटम लूज भी नहीं हुआ सेथ सेथरॉलिंस ने अपने जीकेल को हराया उसके बाद दोबारा से पीठ ने जब गया तो रीडल ने हर के आर क्यों दे दी मैंने कहा ये बहुत अच्छा हुआ अब रीडल वर्सेज सेथरॉलिंस एक ऐसा मैच है जो कि हम एक्चुअली में समर स्लैम या फिर ऐसे पेपर व्यू के लिए एक्साइट हो सकते हैं जिसके लिए अच्छा एक बैक स्टेज में उनके बीच डॉकिंस और ओटिस के बीच में वो हॉट डॉग खाने का कॉम्पिटिशन हुआ था कि कौन ज़्यादा खाएगा पता क्या चला 24 बाईस का आई थिंक स्कोर चल रहा था लेकिन 48 स्कोर के साथ कौन जीत गया किरा टोजावा वो वही बगल में बैठकर अड़तालीस हॉट डॉग पेल गया भाई साहब और ओटिस का तो पेट इतना फूल गया कि जब इनका मैच हुआ सिक्स मैन टैग मैच जिसमें लैचली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेज ये अपने ओटिस एंड गेबल एंड थ्योरी के बीच जब मैच हुआ तो ओटिस का पेट अलग ही नजर आ रहा था क्योंकि इतने सारे हॉट डॉग खा रखे थे और इसीलिए उसको दिक्कत भी हो रही थी उसके अलावा एक और मेरा फेवरेट सेगमेंट उस मैच के अंदर तब आया था जब लैचली ने आई थिंक थ्योरी को

Well, that was Walter, oh sorry, Gunther, भाई निकला क्या दिखाया गया यूएस को हरा दिया कब सुनो तो कब फोर्थ ऑफ जुलाई यानी की उनके इंडिपेंडेंस डे के दिन ब्रो डब्ल्यू डब्ल्यू जस्ट सैवेज अब लोग कह रहे कि अभी क्या करे हम है? एक तो हमारे देश के ऊपर भी बात आ रही है और फिर यार गुंथर है हम गुंथर को कैसे बेचारे <laughs> बौखला गए अच्छा समर स्लैम में रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लाइजनर के लिए वो दिखाया जा रहा था तो जब उनका ट्वीट आया तो डब्ल्यू ने ये लिखा कि वन लास्ट टाइम वन लास्ट मैच लास्ट मैन स्टैंडिंग सो अपेरेंटली ये लास्ट मैच हो सकता है इन दोनों बहीमत के बीच तो आप एक्सपेक्ट करिए कि इसके बाद मैच हो सकता है दोबारा से बिकॉज ये डब्ल्यू डब्ल्यू वंस इन लाइफ टाइम का ट्वाइस इन टाइम भी हो सकता है जो कि हमने ट्रिपल एच ए के केस के में देखा और अपना इधर के, किसके केस में रोमन रेंस और सॉरी जॉन सिन और रॉक के केस में भी देखा था तो डोंट एक्सपेक्ट की लास्ट डे तो वही सही में लास्ट होगा जरूरी नहीं है एंड फाइनली एंड आजका के बीच मेन इवेंट आया जिसमें ये लोग लड़ रहे थे अपना नो होल्ड्स बाढ़ में एंड आई ऑलवेज गेट सरप्राइज टू सी कि कभी रॉ और स्मैकडाउन के जो ऐसे मेन इवेंट आ जाते हैं वो कभी कभी रिसेंट के एक्सट्रीम रूल्स से कैसे ज़्यादा ब्रूटल दिखने को मिलते हैं यार आज का पहली बात तो मेन इवेंट वॉज किलर आस्का एंड बैकेलिंचवर डिसअपॉइंट्स दे आर एट देयर एलीट लेवल वेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस और एंड कैरेक्टराइजेशन टू स्पेशली लास्ट में जब आस्कर ने अपना छाता निकाला तो छाते को यूज कर दिया बैकेंच ने मिस्ट से बचने के लिए पर उससे हेल्प तो हुई नहीं बाद में किक भी पड़ी बट थैंकफुली इस बार जीत गई एंड आई थिंक दैट विक्ट्री वॉज इंपॉर्टेंट फॉर क्योंकि इतना जो लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी आई थिंक वो कहीं ना कहीं बैकल और सेथरोलिंस दोनों के लिए खराब थी कि भैया सेथरोलिंस भी काफी टाइम से हार ही रहे थे बैकिल इंच भी ही रही थी आज सेथरोलिंस को भी विक्ट्री मिली बैकी को भी विक्ट्री मिली एटलीस्ट नाउ दे कैन फाइंड दैट मोमेंटम जो कि वो लूज कर

Subscribe,